बिल्कुल दीपक जी, आपको श्री ले चलेंगे राजधान परिषद जहाँ शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय की माननीय मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा एम दोसर जी, अन्य यहाँ उपस्थित माननीय पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्तिगण, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राम सुंदर दास जी, इस समारोह में विशेष तौर से आए हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के विधान परिषदों के माननीय सभापतिगण, झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश के नेता विरोधी दल एवं वहां से आए हुए विभिन्न दलों के प्रतिनिधिगण यहाँ इस समारोह में सभी उपस्थित माननीय मंत्रीगण और विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षगण, अन्य नेतागण, बिहार के माननीय लोकायुक्त, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सचिन झा जी यहाँ उपस्थित, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, आज सम्मानित होने वाले सभी पूर्व सदस्यगण, बिहार विधानसभा के यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, इस समारोह में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज के इस विशेष समारोह में मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां आने की मंत्री कृपा की। बिहार अपने स्थापना से 99 वर्ष का सफर पूरा कर चुका है और अब 87 वर्ष में आज से प्रवेश करना, और इस उपलक्ष्य में बिहार विधान परिषद के स्थापना के 87 वर्ष के समारोहों के उद्घाटन के लिए आप यहां पधारी हैं। हम आपका अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के 9 करोड़ लोगों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जो बिहार दिवस का आयोजन या विधान परिषद के स्थापना दिवस का आयोजन पूर्व में नहीं होता था, हम लोगों ने पिछले वर्ष से इसका आयोजन करना शुरू किया। 22 मार्च के दिन ही दिल्ली दरबार में ये ऐलान हुआ था कि बिहार उड़ीसा प्रांत गठित किया जाता है और शुरुआत हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत से, और 22 मार्च वही दिन है, उसी को स्थापना का दिन मानकर विधान परिषद की स्थापना का भी समारोह मनाया जा रहा है और आज बिहार दिवस का भी आयोजन हो रहा है। तो इस अवसर पर आप उपस्थित हुए हैं, पूरे बिहार में एक उल्लास का माहौल है, उत्सव का माहौल है। बिहार में बहुत मामलों में बहुत कुछ किया है। अगर हम
पुराने इतिहास में जाए, एंशियंट हिस्ट्री में जाए, प्राचीन इतिहास में जाए, तो जो बिहार का इतिहास है, जो आज जो भूभाग बिहार के नाम से जाना जाता है, जो उसका इतिहास है, वही देश का इतिहास है। और इसलिए पूरे देश के लोग बिहार के प्रति एक विशेष ख्याल रखते हैं। अगर फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो यह कोई नालंदा के लिए या बिहार के लिए गौरव की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लोगों के लिए गौरव की बात है। इसलिए भारत की सरकार ने भी तय किए हम इसे स्थापित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में, अनेक मुल्कों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, संसद ने कानून बनाया है, प्रोफेसर अमर सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए मेंटर ग्रुप का गठन हुआ और अब इंडियन गवर्निंग बॉडी के गवर्निंग काउंसिल की तरह वो अपना काम कर रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम उस विश्वविद्यालय के पहले विजिटर होंगे, तो ये सारी बातें हो रही और बिहार के लोगों ने उसके बाद भी जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की वो कम नहीं। अगर आधुनिक भारत में देखें तो आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका बिहार की रही। बात यहां आए चंपारण में और पूरे देश की आजादी की लड़ाई को एक नई गति मिली। अब ये विश्लेषण का विषय होगा, अध्ययन का विषय होगा, अगर बापू चंपारण नहीं आते तो क्या आजादी की लड़ाई इतनी तेज गति से फैलती? तो बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका और बिहार में धीरे धीरे एक निराशा का वातावरण आया। अब हम उस निराशा के वातावरण से उबरना चाहते हैं। सबके मन में एक संकल्प है कि एक विकसित बिहार बने। हम कल विकसित थे, हम कल बहुत आगे थे, आज हम क्यों पिछड़ गए? हम फिर आगे बढ़ेंगे, देश की प्रगति में अपना योगदान करेंगे। हम देश की गति को रोकेंगे नहीं, बल्कि देश की गति को, विकास की गति को और तेज करेंगे। तो आज के सबके मन में संकल्प है, क्या बच्चा, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सबके मन में एक गजब का जज्बा है। और आज उत्सव के इस अवसर पर, और अभी दो दिन पहले होली था, पूरे बिहार में तो एक उत्सव का माहौल, होली से लेकर बिहार दिवस के आयोजन तक सब लोग उल्लास से डूबे हुए। और इस अवसर पर आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और इन कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए आई है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बिहार के उत्सव में और बिहार का स्वाभिमान जग रहा है, एक नई पहचान उभर रही है। उस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति ने आकर हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम आपको इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार का जो ये माहौल है, आज बिहारियों के मन में एक नया का जागा है या बिहारीपन का भाव पैदा हुआ है। मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि अच्छा हिंदुस्तानी बनने के लिए अच्छा बिहारी बनना पड़ेगा, तो हम अच्छा बिहारी बन के अच्छा हिंदुस्तानी बनेंगे। हम कोई अपनी डबरी अपना राग नहीं अलापना चाहते। और आज के इस मौके पर जब आप उत्साह के मौके पर आई है तो हम अपने दुख को आपके सामने व्यक्त नहीं करना चाहते। एक जमाने से बिहार पिछड़ गया है, जिसको आगे लाने के लिए विशेष पहल की जरूरत है। और इसके लिए आज बिहार की एक जनजन की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज इस अवसर पर हम इस बात को नहीं छेड़ रहे, लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो बिहारीपन का भाव जग रहा है, ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, और उसको कहा करते थे, चर्चा होने लगी थी कि भाई देश तो आगे बढ़ रहा है,
लेकिन ये जो बीमारू राज्य है जिसमें बिहार अग्रणी है ये पिछड़ रहा है और अगर इसी रफ्तार से पिछड़ेगा तो देश को ले डूबेगा। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम देश को नहीं ले डूबेंगे बल्कि देश को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इसलिए हम अपनी कई प्रकार के संचिंताओं से ऊपर उठकर एक नई पहचान बिहारी होने की पहचान और हम सब मिलकर एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा बिहार जिसमें बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना गर्व का विषय होगा, शान का विषय होगा, उस तरह के बिहार का विषय होगा और वो देश के हित में है, देश को आगे बढ़ाने वाले। तो इस अवसर पर बिहार विधान परिषद का इतिहास बहुत पुराना है। आपके इस कार्यक्रम में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है, उसका विमोचन किया गया। शुरू से ही कौन कौन यहाँ पर सदस्य है उसमें से जितनों का परिचय उपलब्ध हो पाया है उन सबों के परिचय की पुस्तक, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श हुआ है, बहुत वाद विवाद हुआ है विधान परिषद को, उसको संकलित करके बिहार की विभूतियों को, देश की आजादी की लड़ाई में बिहार के लोगों का जो योगदान है उससे संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। और इस पूरे कार्यक्रम जो हमारे माननीय सभापति आदरणीय साराकांत झा जी है उनकी कल्पनाशीलता और इन्होंने जो विधान परिषद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों की कमेटी बनाकर इसके आयोजन के बारे में सोचा है, ये साल भर चलने वाला कार्यक्रम है। आपको आज शुरुआत कर रही है, आपका आशीर्वाद मिला, मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ष का ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी होगा, नई पीढ़ी को अपना इतिहास जानने का अवसर मिलेगा और अपने इतिहास से लोगों को गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी गौरव की बात है, मैं दोहराकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस अवसर पर आप हमसे सुनी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और पिछली बार जब आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि आप आया कीजिए और आपसे हमने आग्रह किया था कि बराबर नहीं तो साल में कम से कम एक बार आप जरूर आया कीजिए। पिछली बार हम लोग चाहते थे देश रत्न राजेंद्र बाबू के 125वें साल का कार्यक्रम था, हम उस अवसर पर आपकी उपस्थिति चाहते थे। हम तो ये चाहते थे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति के 125वें साल गिरह के मौके पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति उपस्थित हो, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था उस अवसर पर आपकी उपस्थिति नहीं हो सकी। लेकिन आज आपकी उपस्थिति हुई है, आगे भी आपकी यहाँ उपस्थिति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित तमाम महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे पूर्व सदस्य आज सम्मानित हुए हैं, उनके प्रति भी मैं आदर प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।